मार्च अप्रैल ये दो महीने में एग्जाम्स चलेंगे, आपको मालूम है। तो ये दो महीने अगर टेंथ लिखने वाला पास होके कन्वर्शन पीरियड बोलते हैं इसमें एकेडमिक में, जो टेंथ वाला इंटर जाता, इंटर वाला डिग्री जाता, डिग्री वाला पीजी जाता, ये दो महीने में। तो मेरा क्या है, एक महीने के सामने, एक महीने के पहला ही आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चे आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं उनका बहुत कुछ मैं उनको सिखाऊंगा। मैं उनको कमनी के ऐसा नहीं, हम मैं पढ़ा के फ्री में पढ़ाना, ऐसा कुछ पढ़ा के छोड़ देने का नहीं है। उनके लिए बहुत कुछ सिखाना है। हमारे भाई अभी एक्सपर्ट है लॉ में, बच्चों को लॉ भी सिखाएंगे, पॉलिसिंग क्या है सिखाएंगे, सोशल एनवायरमेंट क्या होता सिखाएंगे, उनको कम्युनिकेशन क्या होता सिखाएंगे, जिसे हम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, मेरा मदर टंग है तेलुगु है। आपका बच्चा अगर मदर टंग आपका हिंदी है, उसको जरूर उसको सिखाएंगे तेलुगु क्या चीज है। इस भारत देश में नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्सल में जो अमेरिका प्रेसिडेंट एक लैंग्वेज बात करता, हम हमारे बच्चों को तीन लैंग्वेज सिखाएंगे, उनसे ज्यादा भी कराएंगे। आप पूछिए अमेरिका प्रेसिडेंट को, इंग्लिश से बोल कुछ भी नहीं आता हूँ। हमारे बच्चों को इंग्लिश भी सिखाएंगे, हिंदी भी सिखाएंगे, तेलुगु भी सिखाएंगे, देश में साबित करेंगे कि हमारे तीन तीन लैंग्वेज आता है, ये हमारा मानना है। मैं सभी बुजुर्गों, बहनों, माताओं को, सबको मैं विनती करता हूँ, हम मिल के काम करेंगे, एक विकास के और फिर जाएंगे, एक नई उमंग के साथ, एक नई दृष्टिकोण को हम आगे ले जाएंगे। पढ़ने से ही सब कुछ होता है, हम कुछ पढ़ने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम प्रश्न भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम गुपचुप रहते हैं। हमारा पढ़ाई ऐसा है कि अगले वालों को उनके ऊपर एक उनके खिलाफ आवाज भी होता है, ऐसा आवाज को ऐसे उनको एक ताकत देने की पढ़ाई मैं उनको सिखाऊंगा, मेरे अंदर में लगाऊ। मैं एक घंटा अपने बच्चों के लिए मैं कुछ उनको पढ़ाने का काम दिया हूँ, मैं प्रॉमिस किया हूँ। मेरे जितने भी इसके पीछे 50 जने काम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे फोन आएगा, 50 जने काम कर रहे हैं, और 50 जने का यही मैं उनको संकल्प किया कि मैं ये बच्चों को मैं एक घंटे का क्लास लूंगा। आज बड़ी बात नहीं बोलता हूँ मैं, मेरा इंस्टीट्यूशन से, मेरे इंस्टीट्यूशन से कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाई नहीं, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ाने का, एक ताकत बढ़ाने का, एक ऊंची दृष्टिकोण बनाने का ये काम मैं करने का लिया हूँ। ये ऐसा वैसा नहीं है, अगर आप लाख रुपए भी दिए तो मेरे पास जो पढ़ा है वो बच्चा उससे कॉम्पिटिशन कोई भी नहीं कर सकेगा, ये मेरा वादा है। मैं सभी सभी बहनों से मान लो बहुत देर हो चुका है, मैं आपका 10 मिनट ले चुका हूँ, आगे आगे जाके बहुत कुछ काम करेंगे। और एक चीज़ केसीआर साहब, आपको मालूम है अभी भाई बहुत अच्छा बोले है, ये जो है ना दो आंखें हो, हिंदू मुस्लिम दो आंखें, हर मजहब को साथ में लेके जा रहे हैं, नहीं हर मजहब को साथ में लेके जा रहे हैं। थोड़े लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता की बात, हमारे धर्म की आस्था की जो संस्था की है, तो केसीआर के बाद ही कोई तो भी आता, ये जितने जितने बड़े बड़े भाषण देने वाले है, ऐसा उन लोग उनके सामने भी नहीं कर सकते। आप यादव गुट्टा देखिए, अब हर एक आप क्रिश्चियनिटी रहे तो आपको वहाँ पर स्टेडियम में बुला के देते हैं, आपके अपना मुस्लिम का कुछ भी है तो स्टेडियम में बुला के देते हैं, और हिंदू का इतना कुछ भी हो उन्हों करते, इससे क्या साबित होता। हम विकास ही हमारा है, हमारा गरीबी हटाना उससे लड़ना है, मगर ये सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है, ये इंसान के बीच में इंसान को एक नफरत पैदा करने की जो चीज़ है उसको मिटाना है। आप लोग जो जितने भी यहाँ युवा है, जो इंसान के बीच में जो नफरत पैदा कर रहे हैं, उनको आप देखिए, सोचिए, और नफरत को हम मिटा के प्यार के और ले जाएंगे, ऐसा हमारा आपका मेरा सबका वादा है। हम मिलजुल के साथ में काम करेंगे, एक गोशा महल को एक ओनर बनाएंगे। मेरा एक ही संकल्प है, अपने गोशा महल से एक IAS एक IPS बनना है, या तो वो दलित में हम लोग, या तो हमारे मैनॉरिटी भाई में हम लोग, या तो हमारे हिंदू भाई में, जो भी सामने है आइए मेरे से ले, और ये 5 साल के अंदर
संकल्प लिया गया है आईएएस आईपीएस एजुकेशन मैं से जरूर बनूंगा, ऐसा मेरे पूरा विश्वास है। तो मेरा मैं सभी भाइयों से फिर एक बार गुजारिश करते हुए आपको हमारे केसीआर साहब जितने भी आपके अंदर स्कीम्स लगाए, जो भी स्कीम्स आपके माइनॉरिटी में हैं, आप अपने कमेटी के लिए पहुंचिए, कमेटी के द्वारा मेरे कने आइए, मैं आप लोगों को मेरे गाड़ी में बिठा लेके मैं आपके लिए सीधा, हम ऑफिसर रिफिसर हम नहीं जानते, सीधा वहीं जाएंगे जिसके कलम से जो ताकत है उसके नहीं जाके हमारा काम करा रहे, ये हमारा वादा है। उनको इनको बोलने का जरूरत नहीं है, जहाँ पर पैदा इसे वहाँ पर ही जाके लड़ेंगे हम। तो हम ये मेरा वादा है, सभी आप हिम्मत से रहिए, आपके आपका भाई आपके आपके दिल में रहे वैसा मैं काम करूँगा, इस पर मेरा वादा। बहुत समय हो चुका है, हम सभी साथ के अंदर साथ में भोजन करेंगे, भोजन आ चुका है, साथ में मिल के भोजन करेंगे। फिर कल से अगर आपका जो भी है कमेटी के पास जाइए, आपका दरखास्त रखिए, अपना गवर्नमेंट केसीआर साहब हर एक काम उन्होंने करने के लिए पूरे ऑफिसरों को बोल दिया है, आपके महीना के लिए जितना जितना हो सके उतना फायदा उठाइए इस गवर्नमेंट से। वहाँ पर देने वाले केसीआर साहब भरपूर देने के लिए उनका मन बनाया है, उसका मन जीत लिया, आप भी जो भी काम है आप कमेटी के अंदर आ जाइए, कमेटी में रहकर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उसके साथ जाता हूँ, आपका काम कराने का वादा करता हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देते हुए फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक्स। हमारे कमेटी के